एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में प्यारे प्यारे लिली फ्लावर हुए हैं और यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। इस मौसम में बहुत ही मज़ा आ रहा है और ये मेरा टेरेस गार्डन में लहलाते फूल और इनकी कलियाँ ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। देख सकते हैं इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए मेरा क्यूट सा प्लांटर जो मैंने बनाया है। अब देखिए जो मॉस रोज़ है वो धीरे धीरे हल्के हल्के गायब होते जा रहे हैं क्योंकि इनका सीज़न अब जाने ही वाला है। सो अब ये बहुत ही कम हो गए आप देख सकते हैं, और बारिश में तो ऐसे भी नहीं होते ये। तो अब ये देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं, लिली के फ्लावर्स हैं ना, ये निकलेंगे तो और भी प्यारे लगेंगे। देख सकते हैं ये पार्सले का प्लांट है, ये कुछ नहीं हुआ इसमें फ्लावर, आज सब मुरझाए मुरझाए से हैं। अब ये सारे छत बहुत ही बेकार लग रहे हैं दिखने में, इसलिए मुझे अब इनको हटाना पड़ेगा। ये देखिए हमारा हल्दी का प्लांट, ये भी कितना प्यारा लग रहा है देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा पार्सले का फ्लावर हुआ है किस कप में, ब्रोकन कप में, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है सकते हैं। और ये हमारी मटकी में हुए हैं पार्सले के लीफ, ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं जिसमें फ्लावर नहीं हो सकते। ऑलमोस्ट ये सब अब बेकार ही लगने लग गया है, इसलिए हम कोशिश करेंगे अपने टेरेस गार्डन में अब नए प्लांट्स लगाए जाए। स्नेक प्लांट ऑलवेज अच्छा लगता है, इसे जैसे भी देखेंगे प्यारा ही लगेगा। ये इसमें कली हुई है, फूल नहीं खिला अभी तक, देख सकते हैं बारिश के कारण छत भी कितना गंदा हो रखा है। तो ये हमारे क्यूट क्यूट से जो कैट प्लांट हैं ये भी गंदे हो गए हैं बारिश से, क्योंकि यहाँ कल से बारिश हो रही है दिल्ली में। हमारा एलोवेरा देखो फिर से ग्रीन हो गया क्योंकि इसे मैंने साइड में रखा था, ये काफ़ी अच्छा हो गया। अब सकते हैं ये हमारे एयर पोटैटो की बेल जा रही है जिसमें पोटैटो अभी तक नहीं हुए हैं। हमारे सारे क्यूट प्लांटर हैं जिसमें पार्सले लगा रखे हैं, इसमें कलियाँ आई हैं, आज फ्लावर्स कोई नहीं हुए हैं, फिर भी ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए आप, अभी हमारे टेरेस में आप ये भिंडी के प्लांट्स देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। देखिए इसके फ्लावर्स और साथ में छोटी छोटी जो भिंडी हो रखी है कितनी प्यारी लग रही है दिखने में। इसके फ्लावर्स तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन की ओकरा कितनी प्यारी लग रही है। और इसमें भी देखिए छोटी छोटी सी भिंडी है, ओकरा हो रखी है और ये बहुत ही प्यारी दिख रही है। छोटे से गमले में लगे हुए हमारे प्लांट्स कितने हरे भरे हैं और कितने फ्रेश लग रहे हैं बारिश के कारण। छत काफ़ी हमारी गंदी हो रखी है, इसे हम बहुत जल्द साफ करने वाले हैं। ये हमारे मिर्ची के प्लांट हैं, हमारा अनार देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे टेरेस गार्डन की कितनी सारी भिंडी, और इसमें क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से फ्लावर हुए हैं जो इनका देखने में अलग ही नज़ारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए बहुत सारे हुए हैं ये छोटे छोटे फ्लावर्स, देखिए इधर हुए हैं ये सारे हमारे भिंडी के प्लांट्स हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और इसमें बहुत सारी भिंडियाँ लगने भी लग गई हैं। एक क्यूट से प्लांटर जो हमने बोतल की प्लास्टिक बोतल को कटिंग करके बनाए थे वो हैं, जिसमें पार्श लगाए थे, ये देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और हमारे छत की तोरी दिखाती हूँ मैं आपको जो बहुत ही अच्छी लग रही है। हमारा टोटो बैठा है यहाँ पे जेड प्लांट के साथ, और ये हमारी मटकी में पार्श्ले लगा हुआ है, आपको दिखाती हूँ मैं अपना। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने तोरी के प्लांट्स दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये बेल जाती हुई, और ये फ्लावर देखिए कितना प्यारा है येलो कलर का, देखिए कितने सारे फ्लावर्स हुए हैं। और आपको अभी तोरी भी दिखाती हूँ मैं, ये देखिए हमारे टेरेस गार्डन की तोरी कितनी प्यारी हो रही है, और ठंडी ठंडी हवा चलते हुए बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ भी सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो रखे हैं येलो कलर के, बारिश में कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और दिखाती हूँ आपको मैं। आप देख सकते हैं यहाँ लटकती हुई तोरी, देख रहे हैं आप कितनी प्यारी लग रही है। पास से वीडियो बना के दिखाती हूँ मैं, यहाँ से दिखेगा नहीं। कुछ
आपको दिखाती हूँ मैं अपनी तोरी, तोरी यहाँ से लटकती हुई दिखेगी। ये देखिए नीचे लटक रही है, यहाँ दो और एक वहाँ पे, तीन तोरियाँ हो रही हैं हमारे छत पे अभी। काफ़ी अच्छा प्लांट चल रहा है ये वाला। सो आपको हमारा टेरेस गार्डन का ओवरलुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।